अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, ये आज का लेक्चर जो है हमारा है 10, इसमें लेसन नंबर 12 है जेन आयर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे और इसकी समरी करेंगे। तो जो इसकी ट्रांसलेशन है वो हमने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख दी है। इसका पेज नंबर जो 1 है, ये हमारे पास जो आपको शो हो रहा है, ये पेज नंबर 1 है। और ये इसका पेज नंबर 2 है। और ये इसका हमारे पास जो है ये पेज नंबर 3 है। अब जो है इसकी समरी है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। जेन वेंट टू रीड टू लिव एट अ स्कूल एट लावोट। व्हेन शी वाज 10 शी रीच्ड द स्कूल बाय अ कोच ऑन अ कोल्ड जनवरी डे। इट वॉज ऑलमोस्ट डार्कनेस व्हेन शी रीच्ड देयर। शी वॉज एट वंस टेकन टू मिस टेम्पल द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। मिस टेम्पल टोल्ड द मिस मिलर टू गिव जेन फूड एंड टू टेक हर टू बेड। जेन वॉज टेकन टू अ बिग रूम वेयर 80 गर्ल्स सेट एट 4 लॉन्ग टेबल्स। देयर एजेस वर 9 to 20 एंड देयर ड्रेसेज वर अलाइक। दे वॉर ब्राउन फ्रॉक एंड एप्रॉन्स। जेन वॉज मेड टू सिट ऑन अ बेंच नियर द डोर। मिस मिलर ऑर्डर टू मॉनिटर टू कलेक्ट द बुक्स फ्रॉम द गर्ल्स एंड देन टू bring super trays. Some tall girls brought the trays with small pieces of oat cakes and mugs of water. After super, there were prayers and then they went to bed in a big hall. After 10 minutes, Jane went to sleep with Miss Miller. Next loud bell awoke them. All the girls dressed quickly, had prayer and a Bible lesson before breakfast. Then they were given porridge as breakfast. Jane could not eat the porridge because it was not tasty. She was unhappy. She felt cold and hunger. पेरेंट्स से इल्तमास है कि ये जो समरी है अपनी निगरानी में बच्चों को अच्छे से याद करवाएं और लिखवाएं। हैंड राइटिंग का ख्याल रखिएगा। और अगले लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़।